नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल वेल एंड सेफ एट योर होम। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू यू रिमेम्बर व्हाट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास? यस, द समरी ऑफ लेसन 6, मोची की दुकान। पार्ट 6, मोची की दुकान, द कॉबलर्स शॉप। ओके, डू यू रिमेम्बर द समरी? हाँ, यस। So today we are going to take this lesson. Okay, I will explain the meaning of paragraph. For that, all of you should take your textbook. While reading, you have to keep your index finger on each word. Okay, so all of you should take your textbook. Listen carefully. The first paragraph. एक मोची और उसकी पत्नी अपनी दुकान के पीछे रहते थे। मोची अच्छा कारीगर था। वह बहुत अच्छे जूते बनाता था, लेकिन उसकी कमाई कम थी। उसके पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए वह एक जोड़ा जूते के लिए ही चमड़ा लाता था। एक दिन मोची अपनी दुकान की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते अंधेरा हो गया। उसने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रख दिया। फिर वह घर चला गया। अच्छा बच्चों, अब देखिए इसका शब्दार्थ। ओके, एक मोची और उसकी पत्नी अपनी दुकान के पीछे रहते थे। One cobbler and his wife lived behind their shop. Mochi achha karigar tha. What is the meaning of karigar? Karigar means craftsman. Okay. The cobbler was a good craftsman. Vah bahut achhe joote banata tha. He made very good shoes. Lekin uski kamai kam thi. But his earning was less. उसके पास बहुत कम पैसे थे। He had very less money. इसलिए वह एक जोड़ा जूते के लिए ही चमड़ा लाता था। That's why he used to buy the leather only for one pair of shoes. Okay, moving to the next paragraph. एक दिन मोची अपनी दुकान की सफाई कर रहा था। One day he was cleaning the shop. सफाई करते करते अंधेरा हो गया। It got dark while cleaning the shop. उसने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रख दिया। So he cut the leather for making the shoe. और फिर घर चला गया। And he went to the home. Okay. So let's see some meanings. पत्नी, वाइफ, कारीगर, क्राफ्ट्समैन, कमाई, अर्निंग, जोड़ा, पेयर, चमड़ा, लेदर। इज दैट क्लियर बच्चो? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। अगले दिन मोची दुकान में आया। वहां जूते का नया जोड़ा बना पड़ा था। मोची हैरान हो गया। अपनी पत्नी को वे जूते दिखाते हुए वह बोला, मैंने तो कल चमड़ा काट कर ही रखा था। रात में ऐसे सुंदर और मजबूत जूते किसने बना दिए? मोची की पत्नी बोली, जूते तो बहुत ही सुंदर है। तभी दुकान पर एक आदमी आया। जूतों को देखते ही वह बोल पड़ा, ये जूते बहुत सुंदर है, ये मुझे दे दो। ओके बच्चों, नाउ लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। अगले दिन मोची दुकान में आया। द नेक्स्ट डे ही केम टू द शॉप। वहां जूते का नया जोड़ा बना पड़ा था। देयर ही सो अ न्यू पेयर ऑफ शूज। मोची हैरान हो गया। ही गॉट सरप्राइज्ड।
अपनी पत्नी को वे जूते दिखाते हुए बोला एंड देन ही शोड दिस न्यू पेयर ऑफ शूज टू हिज वाइफ एंड सेड, मैंने तो कल चमड़ा काटकर ही रखा था, यस्टरडे आई जस्ट कट द लेदर। रात में ऐसे सुंदर और मजबूत जूते किसने बना दिए, एंड नाउ सी ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग शूज वेर देयर, हु मेड इट? मोची की पत्नी बोली एंड हिज वाइफ सेड, जूते तो बहुत ही सुंदर है, शूज आर सो ब्यूटिफुल। तभी दुकान पर एक आदमी आया, एट दैट टाइम वन मैन केम टू हिज शॉप। जूतों को देखते ही वह बोल पड़ा, ही शो दैट शूज एंड ही सेड, ये जूते बहुत सुंदर है, ये मुझे दे दो। ओह दिस शूज आर सो ब्यूटिफुल, प्लीज गिव टू मी। ओके, इज दैट क्लियर? सी सम वर्ड मीनिंग्स। अगले दिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगले दिन? अगले दिन मींस नेक्स्ट डे। मजबूत, मजबूत, मजबूत मींस स्ट्रॉन्ग। आदमी मैन, ओके, आदमी मैन। ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। मोची ने जूते उस आदमी को दे दिए, उसने मोची को बहुत से पैसे दिए, मोची खुश हो गया। उस दिन मोची दो जोड़े जूतों के लिए चमड़ा लाया, उसने चमड़ा काटा। चमड़ा काटते काटते शाम हो गई, चमड़ा काटकर वह घर चला गया। अगले दिन वह दुकान में पहुंचा, वहां दो जोड़े जूते तैयार पड़े थे। मोची फिर हैरान हो गया, वह सोचने लगा, मैं तो चमड़ा काट कर रख गया था, आज फिर जूते बने पड़े हैं, कौन बना जाता है इन्हें? उस दिन भी उसकी दुकान पर एक आदमी आया, उसने जूते देखे, वह बोला, ये जूते बहुत मजबूत दिख रहे हैं, ये जूते मुझे दे दो। अच्छा बच्चों, अब देखिए इसका अर्थ क्या है। मोची ने जूते उस आदमी को दे दिए, कोबलर गेव इट टू दैट मैन, ओके, एंड उसने मोची को बहुत से पैसे दिए, एंड द बायर गेव मोर मनी टू दैट कोबलर। मोची खुश हो गया एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी। उस दिन मोची दो जोड़े जूतों के लिए चमड़ा लाया, दैट डे ही ब्रॉट द लेदर फॉर टू पेयर ऑफ शूज। उसने चमड़ा काटा, ही कट द लेदर। चमड़ा काटते काटते शाम हो गई एंड इट वॉज इवनिंग व्हेन द लेदर वॉज कट। चमड़ा काटकर वह घर चला गया। After cutting the leather, he went home. अगले दिन वह दुकान में पहुंचा। Next day, he reached to the shop. वहां दो जोड़े जूते तैयार पड़े थे। There were two pair of shoes were ready. मोची फिर हैरान हो गया। Cobbler surprised again. वह सोचने लगा। He started to think, मैंने तो चमड़ा काट कर रख गया था, आज फिर जूते बने पड़े हैं, कौन बना जाता है इन्हें? I just cut the leather and today the shoes are ready, today again the shoes are ready, who made it? Okay, just he started to थिंग लाइक दैट। उस दिन भी उसकी दुकान पर एक आदमी आया, एंड दैट डे ऑल्सो वन मैन केम टू हिज शॉप एंड ही सो द शूज। उसने जूते देखे, वह बोला एंड ही सेड, ये जूते बहुत मजबूत दिख रहे हैं, दिस शूज लुक स्ट्रॉन्ग, ये जूते मुझे दे दो, प्लीज गिव इट टू मी। Okay.
अच्छा बच्चो, इज इट क्लियर फॉर यू? ओके, टुडे वी कैन वाइंड अप दिस सेशन. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द बैलेंस पोर्शन. ओके, धन्यवाद बच्चों.